अस्सलाम वालेकुम माय YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। हम आज के ब्लॉग में बात करेंगे प्रोटीन्स पे। हाँ जी, आज हम बनाएंगे एक छोटी सी मजेदार सी मीठी रेसिपी, लेकिन वो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। तो अगर वो लोग जिन्हें गोश्त पसंद नहीं है, और खवातीन जरा नखरे भी करती हैं कुछ गोश्त खाते हुए कि मुझे फिश नहीं खानी, मुझे चिकन नहीं खानी, ये मसले भी होते हैं, तो उन लोगों की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सकती है। लेकिन बाय द वे, एक ऐसी चीज जिसमें कैलोरीज बहुत कम है, सॉलिड कैलोरीज हैं, लेकिन वो आपको वेट गेन नहीं कराएंगी बल्कि वेट लूज कराएंगी। आइए, ये तो आपको पता ही होगा कि जब डाइट करने लगते हैं बहुत सारे लोग आपको मुख्तलिफ मशवरे देते हैं। उसमें से एक मशवरा जो हर बंदा आपको देता है, आप चने खाएं, है ना। चने एक्चुअली इसलिए बोले जाते हैं कि बहुत ही अच्छी सोर्स है प्रोटीन की, और वो आपको वेट गेन नहीं कराते लेकिन आपको वेट लॉस करने में मदद करते हैं, प्लस आपके मसल्स को स्टेबलाइज करते हैं, उनको टाइट रखते हैं, आप ये समझ लें जो प्रोटीन्स है। ठीक, करना ये है झटपट वाली रेसिपी, ये है बेसिल सीड्स या तुक मलंगा, राइट। तो मैं इसको एक झटपट वाली रेसिपी, ये है कि आप सुबह उठे आधा घंटा पहले नाश्ते से, या जब भी आपका दिल चाह रहा है मीठा खाने का, तो मैं अक्सर ये करती हूँ, क्योंकि रात में खास तौर पर मूवी देखते हुए मेरा बड़ा दिल चाहता है। ये दूध आपने लिया, आप ऑलमंड मिल्क यूज करते हैं, या अगर आप गाय का दूध लेना पसंद नहीं करते तो आप अपने मर्जी का इसमें मिल्क बना सकते हैं। ये हो गया, देन आल एड, ये हमारे पास एसएल नेचुरल्स के दो प्रोटीन पाउडर्स हैं जिन्हें सत्तू भी बोला जाता है, और ये हमारे यहाँ गर्मियों में बहुत ही मशहूर ज़माना पाकिस्तान की ड्रिंक है, और इसे अब तो बहुत कम हो गई, लेकिन एक ज़माने में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। बट अब दोबारा हम एसएल नेचुरल्स जो है वो उसको कोशिश कर रहा है कि अपनी पुरानी चीज़ें रिवाइव करें, देसी खानों पर आएँ। ये सब लोग जो प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट पी रहे होते हैं और अपनी डाइट में शामिल कर रहे होते हैं, समझते हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो उसमें ये बताती चलूँ कि प्रिजर्वेटिव होते हैं हमारा अपना खालिस। चाहे ज़रूरी नहीं आप एसएल नेचुरल्स का लें, आपको कहीं ग्रोसरी स्टोर से खुला मिलता है तो वो ले लें, लेकिन सत्तू बेहतरीन सोर्स है वाइटामिन की। अच्छा, हमारे यहाँ एसएल नेचुरल्स पे दो किस्म के सत्तू हैं, ये चने का है और ये है बार्ले का, यानी ओट्स यानी जौ, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाएं कि अब मैं इसमें, चूंकि मुझे चना खुद बहुत पसंद है तो मुझे चने का टेस्ट ज़्यादा बेहतर लगता है, और अगर ना भी पकाया जाए तो उसमें बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है। मैं तो अक्सर इसका हमस भी बना लेती हूँ, हमस जो भी बोलते हैं, मुझे प्रोनाउंसिएशन भी अपनी ज़बान नहीं है तो मुझे शर्मिंदगी भी नहीं है अगर मैं गलत बोल रही हूँ। बट एनीवेज, तो ये तकरीबन 2 चम्मच ये पाउडर मिलाया, तो जी बंद किया, और अगर मैंने खाना एक वक्त नहीं भी खाया है, एसएल नेचुरल्स का बिरयानी है जिसमें कम शुगर है, बाकी सारे शहद से कम मिठास जाती है आपके अंदर, और ये डायबिटिक लोग भी बहुत आराम से, मेरी माँ है वो तकरीबन कोई 20 साल से डायबिटीज़ का शिकार है, तो वो भी यूज़ करती है, तो आराम से ये यूज़ किया जा सकता है। मुझे खुद भी शक्कर, और जो लोग डाइट पर जाना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो ये बिरयानी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो अब आपने इसमें ये मिलाया। अच्छा, एक काम कीजिएगा कि ये जो मिल्क आपने मिलाना है ये बाहर रखा हो, मतलब फ्रिज में ना रखा हो, अदरवाइज वो बेसिल सीड्स फूलने में ना टाइम लेंगे आपके। बस ये आपकी स्वीट डिश, मीठा आपके डिज़र्ट तैयार है, ये आप बाहर रख दें, आपको नाश्ते में खाना है, इसमें नट्स मिला सकते हैं, जो भी करना है, ये भूल जाएगा थोड़ी देर में। खुद ही गंदे तरीके से बनाया, लेकिन खैर ये देखें आप, ये मैंने थोड़ा सा पहले बना के रखा हुआ था, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रहेगी, ठीक है। अब अगर कुछ लोग जैसे काउ मिल्क नहीं लेते, वो ऑलमंड मिल्क मिलाना चाहते हैं तो वो मिला लें, और ये चूंकि इसमें प्रोटीन है, अब ये बैठ के मैं फिल्म देख रही हूँ, नाश्ता कर रही हूँ, किसी भी वक्त मैं लेस कैलोरी स्वीट डिश को इंजॉय कर सकती हूँ, बट गुड कैलोरीज। एक तो हो गई ये, ठीक है। अब कुछ भी हम एक डिप बनाते हैं, दिल चाहता है, लोग कहते हैं कि डाइट के वक्त जो है वो आपकी फ्रिज में सब्जियां होनी चाहिए, मतलब सलाद वाली सब्जियां, कैरेट ले लें, खीरा ले लें, मुझे तो वो खीरा और कैरेट भी ना खाली खाते हुए अजीब सा लगता है, तो थोड़ा थोड़ा बकरी नुमा लगता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कोई डिप हो तो मज़ा आ जाता है ना, हुमस हो कोई साथ में, एक छोटी सी मज़ेदार सी डिप बनाना बताती हूँ आपको, जो मैं अपने लिए बनाती हूँ, चिप्स हो किसी और चीज़ के साथ, वेजिटेबल्स के साथ, वो भी है अपने इसी सत्तू पाउडर
या चना पाउडर के साथ बनाती हूँ। आप ये भी यूज कर सकते हैं बार्ले, बट बार्ले मेरी अम्मा अपने सीरियल में यूज करवाती हैं ज्यादा के दूध में, झटपट आपने बार्ले के 2 चम्मच मिला और सीरियल बन गया, आपको पूरी रात सोचनी करना पड़ा, इजी हो गया, पाउडर मिल गया ना। तो हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ डिप कैसे बनेंगे। ये जीरा कटा हुआ है इसमें, अब आपने इसमें मिलाया ऑलिव ऑयल। बाय द वे, अगर आप हुमस बनाना चाहते हैं घर पे तो आपको ये चना पाउडर बहुत हेल्प करेगा। ये आपने मिलाया ऑलिव ऑयल, थोड़े से इसमें मिलाया आपने ऑलिव्स। अब आप इससे इसमें आप मिर्ची मिलाना चाहें, मैं मिलाऊंगी इसमें काली मिर्च, तो ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है कोई, लेकिन लोग कटर चिलीज भी मिला लेते हैं इसमें और भी जो भी। ये भी बाय द वे एसल नेचुरल्स का है, ये पेपरकॉर्न और पिंक सॉल्ट, इसमें थोड़ा सा ये मिलाया। प्लीज नमक से ना भागें, नमक ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। हाँ, सफ़ेद नमक से भागें। और अब मैंने ये इसमें चना पाउडर मिक्स किया, कैसे करूँगा, चम्मच ही नहीं रहा, ठीक है ओके, ऐसे मिला लेते हैं, इतनी भी कोई फैंसी बनने की जरूरत है, मैं कौन सा शेफ हूँ, ठीक है, तकरीबन 2 चम्मच, अंदाज़ा देखें आप। तो अब ये डिप मैंने, अब मैं इसको चिप्स के साथ, कोई और चीज हो उसके साथ, या इसको सिर्फ ऐसे भी खा सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें कैलोरीज बहुत अच्छी हैं, सॉलिड कैलोरीज हैं जो मुझे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। मैंने देसी और अपना फूड बना लिया और इसी से मुझे पेट भरना है और मैंने अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है। खाना जरूर खाएं, सोच समझ के खाएं कि आप क्या खा रहे हैं, अपने आप से प्यार करें और अपनी उस बॉडी से प्यार करें जिसमें आपकी सोल को रहना है। तो इसलिए ये मज़ेदार सा डिप जो है ये मेरी हर चीज़ के साथ और मेरी मूवी को और मज़ेदार बनाएगा और मेरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी और मेरे मसल्स भी सैग नहीं होंगे, कैलोरीज भी कम लूँगी और सॉलिड कैलोरीज भी लूँगी, सो मेरे मसल्स भी सैग नहीं होंगे, टाइटनिंग भी आएगी। दूसरी ये कि लोग पूछने में फिर कि आप 3 बच्चों के बाद में इतनी स्मार्ट कैसे हैं, आप भी ये कर सकते हैं।